सभा में उपस्थित होने के लिए आतुर हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल अपने चुनावी मुहिम में पूरी तरह से जुट चुकी है और खासतौर पर देखा जाए तो दो जो देश के जो प्रमुख राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, लगातार अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से रोड शो और आम सभाओं को के माध्यम से आम लोगों के बीच पहुंच रही है। और इसी दिशा में देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह का बालोद जिला मुख्यालय में आगमन होना है, जिसको लेकर यहाँ पे तैयारी देखी जा सकती है। बालोद जिला मुख्यालय के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम पर यहाँ पे व्यापक तैयारी की जा रही है और इस सभा में जो बताया जा रहा है, जो यहाँ पे जो भाजपा के नेताओं से भी बातचीत की गई, उनके द्वारा भी बताया गया कि व्यापक भीड़ यहाँ पे जुटाने की जो तैयारी की गई है और इस भीड़ का मकसद यह है कि भाजपा इस पूरे चुनाव कैंपेनिंग में जहां तक लगातार डटी हुई है और जीत को लेकर जीत सुनिश्चित बता रहे हैं, लेकिन इस सभा के बाद जो जीत के आंकड़े हैं उसमें भी बदलाव आएगा और वो जो जीत जो आंकड़े जो तय की गई है उससे कहीं ज्यादा जीत की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे एक तैयारी देखी जा रही है। संतोष साहू, NDTV बालोद। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर तैयारियां लगातार जारी हैं, सुरक्षा दृष्टि से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के तहत अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए रक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं। जहां पिछले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश में उनके दौरे ताबड़तोड़ देखने को मिले, तो वहीं अब बालोद में पहुंचने वाले हैं रक्षा मंत्री, और जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और विजय संकल्प रैली के जरिए पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तहत लगातार राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही हैं और इसी के तहत ये दौरा भी बेहद अहम है और दौरे के लिए तैयारियां भी लगातार की जा रही है। सुरक्षा दृष्टि से पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही साथ अगर मंच की बात की जाए, क्योंकि जनसभा को संबोधित करेंगे, ऐसे में लोगों के बैठने की व्यवस्था और तमाम तरह की पंडाल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इंतज़ार किया जाएगा फिर आखिर कब तक पहुँचेंगे, तो शेड्यूल पर भी लगातार नज़र रहेगी। रक्षा मंत्री जब जनता के बीच पहुंचेंगे तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर उनमें और कितनी ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि फिलहाल तो उत्साहित हैं, लेकिन अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं की तो कार्यकर्ताओं में सबसे ज़्यादा जोश भरा हुआ है, उत्साह से भरपूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री को अपने बीच पाएंगे, कहीं ना कहीं जीत के लिए मूल मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे, कई ऐसी बड़ी बातें बताते हुए नजर आएंगे, तो क्या कुछ होने वाला है इस पर नजर बनी रहेगी। हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं रायपुर से, सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। नीलेश, रक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी अब अपने प्रचार प्रसार का दौर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ के उस सीट पर पहुंचेंगे जहां पूरा फोकस बीजेपी का लगा हुआ है। अगर हम ध्यान दें तो जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से कांकेर लोकसभा सीट पर लगातार बीजेपी के आला नेता, खुद मुख्यमंत्री पहले बालोद में लगातार दो दिन, फिर उसके बाद कांकेर में और सभाएं कर चुके हैं, और जब प्रधानमंत्री भी आते हैं तो बस्तर का जब इलाका कवर होता है तो उसमें कांकेर के प्रत्याशी और उनके समर्थकों को भी वहां पर शामिल किया जाता है और जानबूझकर ऐसी जगह तय की जाती है जिसमें दोनों ही लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और उसके समर्थक जो है उनको लाभ मिल सके और वहां के ज्यादा से ज्यादा जनता प्रधानमंत्री की सभा में आ सके। इसके बाद आज रक्षा मंत्री की जब आ रहे हैं तो भी उनकी शुरुआत हो रही है बालोद से। बालोद वो जगह है एक्चुअली अस्मिता जहाँ विधानसभा चुनाव 2023 में, बालोद जिले की बात करें तो तीन विधानसभा सीटें हैं और तीनों की तीनों कांग्रेस के खाते में गई थी, और इससे पहले जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी 18 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी ये पूरी जिले की पूरी की सीटें जो है कांग्रेस के खाते में थी, और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ जिसको बीजेपी जीती लेकिन महज 5,700 वोटों से जीती, जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी कम अंतर माना जाता है, उसमें भी बालोद क्षेत्र से उसको बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे। तो इसलिए फोकस है कि ये सीट फिर से बीजेपी को बचाए रखने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी एक टारगेट लेकर चल रही है कि इस बार 11 से 11 जो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं उसमें सभी पर जीत मिलनी है। ऐसे में कांकेर वो सीट है जो भले ही कम अंतर से जीते थे पिछले चुनाव में लेकिन बीजेपी के खाते में है, अगर वो खो जाती है बीजेपी से तो एक बड़ा सवाल उठेगा यहाँ के नेतृत्व पर, एक बड़ा सवाल उठेगा इस पूरे माहौल पर, एक मोदी की गारंटी पर, जिसके दम पर बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में खासकर मैं बात करूं तो जो चुनाव लड़ रही है, क्योंकि सिर्फ मोदी का चेहरा नहीं बल्कि गारंटी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो वादे किए गए थे वो मोदी की गारंटी के नाम के थे और पिछले 4 महीने से जब से सरकार है तो एक एक कर बड़े वादे पूरा कर रही है और कह रहे कि हम मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी सीट छूट जाती है या चूक जाती है
तो एक बड़ा सवाल मोदी की गारंटी पर भी लगेगा और साथ साथ यहाँ के नेतृत्व पर भी लगेगा। इसलिए जहां पर भी कमजोरी नजर आ रही है, जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़े कमजोर हो रहे हैं, यहाँ पर साधा जा सकता है, तो उन जगहों पर बड़े नेताओं को, स्टार प्रचारक को और मैनेजमेंट को पूरी तरह से झोंका जा रहा है। बालोद जो जिला है और कांकेर जो लोकसभा सीट का जो हिस्सा है वो भी बिल्कुल उनमें से एक ही है। यही कारण है कि सारे बड़े नेताओं का फोकस जो है वो इस सीट पर है। बिल्कुल। उसमें अगर छत्तीसगढ़ में बात की जाए सीटों की, कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी, क्योंकि बालोद में तो फोकस है ही, इसके अलावा कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को थोड़ी लग रही है कि यहां पर हमारी पकड़ कमजोर है और उसको और ज्यादा मजबूती देने में जुटी हुई है? देखिए अस्मिता, जब बीजेपी के लोगों से बात करेंगे तब तो स्वाभाविक है और एक उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो किसी सीट को कमजोर नहीं बताएंगे। वो बिल्कुल बोलेंगे कि हर सीट पे हम मजबूत हैं और 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी का मैनेजमेंट है, जो फोकस है चुनाव का, उस पर अगर ध्यान देकर हम देखें तो एक कांकेर सीट तो है ही है, इसके अलावा बस्तर सीट है। बस्तर में प्रधानमंत्री खुद आए, जो जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में इस चुनाव में पहली बार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो बस्तर ही तय किया गया, तो बस्तर एक सीट है। इसके अलावा राजनांदगांव है, राजनांदगांव में इसलिए भी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद वहां से प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। तो यही है कि कल जब अमित शाह का दौरा होना है छत्तीसगढ़ में, तो उसमें भी उसी सीट से दौरा शुरू हो रहा है और खैरागढ़ जो कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है वहां से वो प्रचार की शुरुआत करेंगे। और अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए, इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो उस सीट पर ही आ रहे हैं। इसके अलावा ये तो तीन सीटें हैं ही हैं जिस पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ज्यादा फोकस है और इस मतलब वहां पर मेहनत ज्यादा करने की जरूरत महसूस हो रही है। महासमुंद भी एक सीट है, इसलिए क्योंकि महासमुंद से प्रत्याशी जो है ताम्रध्वज साहू, वो साहू समाज के बड़े नेता हैं और पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, और ओबीसी में भी जो कांग्रेस बिल्कुल का विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं ओबीसी बिल्कुल के, और एक बड़ा नाम है। और महासमुंद सीट जो है उसमें साहू बाहुल्य जातिगत समीकरण के हिसाब से भी है, तो वो बिल्कुल, सीट भी कहीं एक ना तरह कहीं से जातिगत बीजेपी समीकरण और काफी तमाम मेहनत कर ऐसे रही है वहां पहलू पर। हैं जिस पर विशेष ध्यान बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है और हर एक सीट पर फोकस करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया निलेश तमाम जानकारी देने के लिए।